आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गर्मा गर्म चिली गार्लिक टोस्ट। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे गाइस। तो ये देखिए, आप इसको ब्रेकफास्ट में कभी भी बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बनाते हैं चिली गार्लिक टोस्ट। आइए सबसे पहले हम पेस्ट तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दो पीस लिया है ये बटर, बारीक कटा हुआ 3-4 बारीक किया हुआ लहसुन ले लिया है, एक टुकड़ी मैंने बारीक कटी हुई ये देखिए अदरक डाल दिया है बिल्कुल बारीक। अब हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच। अब बारीक कटा हुआ इसमें डाल देंगे हम धनिया 2 चम्मच। ये स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। अब हम इसको चम्मच से बढ़िया से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है गाइस। आप इसको ब्रेकफास्ट में कभी भी बना सकते हो। ये देखिए, हमने बढ़िया से इसको मिक्स कर लिया है। आइए, इधर मैंने लिया है 4 ब्रेड स्लाइस। अब हम ऐसे एक ब्रेड के ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे लहसुन का। ये देखिए, चम्मच की सहायता से हम ऐसे फैलाते हुए पेस्ट को बढ़िया से ब्रेड के ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो ये देखिए, बढ़िया से मैंने ब्रेड के ऊपर लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर रख देते हैं ये क्रश किया हुआ ये पनीर। बढ़िया से मैंने ऐसे फैलाते हुए ब्रेड के ऊपर ऐसे पनीर को रख दिया है कि कोई जगह कोना ना छूटे। तो ये देखिए, बढ़िया से मैंने फैला कर रख दिया है। अब हम इसके ऊपर रख देंगे ये ब्रेड। अब हम फिर से इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे। ये देखिए, बढ़िया से मैंने इसके ऊपर ये पेस्ट लगा दिया है। दोनों ब्रेड को मैंने इसे तैयार कर लिया है। आइए, इधर हमारा तवा गर्म हो गया है। अब हम ये देखिए, तवे के ऊपर एक एक करके ब्रेड को रख देंगे ऐसे। गैस की आंच को मैंने धीमा ही रखा है। तो ये देखिए, 2 मिनट के बाद बढ़िया से हमारा ये देखिए ब्रेड एक तरफ बढ़िया से पक गया है, हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसके ऊपर फिर से गार्लिक पेस्ट लगाएंगे ऐसे चम्मच से धीरे धीरे फैलाते हुए। तो ये देखिए, बढ़िया से मैंने चम्मच से फैलाते हुए लगा दिया है। अब हम टोस्ट को ऐसे धीरे धीरे पका लेंगे कि बढ़िया से हमारा टोस्ट ब्राउन हो जाए। तो ये देखिए, हमारा टोस्ट बिल्कुल बनकर तैयार है। एक तरफ ये बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। तो ये देखिए गाइस, हमारा टोस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। ऐसे हम टोस्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे काट लेंगे। तो गाइस, ये रेसिपी आपको कैसे लगी? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।